गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ना ग्रॉसरी डे, तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। जैसा मैंने आपको कल बताया था ना, यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए बहुत सारे स्टोर्स हैं, बट जो एक होलसेल का स्टोर है, यानी कि इसका नाम कॉस्को है, वैसे एक बीजेस भी है, बट कॉस्को में ज़्यादा सामान दिखता है। तो वहाँ पे मेंबरशिप रहती है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वाली मेंबरशिप चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबरशिप्स रहते हैं, जिसका इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। तो वो ग्रॉसरी स्टोर है मेजर वहाँ पे, लेकिन सब कुछ ज़्यादा मिलता है। जैसे ये देखिए, यही है कॉस्को, यहाँ पे देखिए प्लांट्स, ये सारे ड्रिंक्स, सब कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ कम नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग कम है तो यहाँ से वर्थ इट नहीं लेना, बट अगर ज़्यादा आपके घर में यूजेज है तो यहाँ पे सामान लेना अच्छा रहता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। कॉस्को से शॉपिंग करने के बाद हम लोग एक दूसरा स्टोर आ गए थे, ये होम डिपो स्टोर। यहाँ पे घर के, आई मीन इट्स नॉट कि यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है ये, बट ये देखिए प्लांट्स, अभी समर जैसे यहाँ पे आने वाला है, तो अभी से ही लोग, ये देखिए सीड्स मिलते हैं यहाँ पे, सब कुछ घर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और वो सब लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे। वहाँ से हम लोग समोसे पैटीज लेके आए थे, साथ में ग्रीन चटनी का प्लान है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैं जो ग्रीन चटनी बनाती हूँ, कुक्ड नहीं होती है वो, बस मिक्सी में ग्राइंड करना होता है। तो ये टमाटर और धनिया, मिर्ची और लहसुन और अदरक, डिपेंड्स आपको अदरक पसंद है, और सॉल्ट, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली, और थोड़ा सा ऊपर से नींबू मिला लें तो और अच्छा है, अगर टमाटर कम खट्टा है। और ये मैंने चाय भी चढ़ा दी थी साथ में। तो बाहर से आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो इंडियन स्टोर है वहाँ पे ये सब नया सब मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था, अब सब मिलने लगा है। तो ये मेरी मीठी चटनी जो कि मैंने घर पे बनाई है, और ये मेरी ग्रीन चटनी भी बन गई थी, और ये चाय मीठी चटनी मैंने घर पे बनाई है। और ये सब नाश्ता करने के बाद वैक्यूम करने का प्लान था, फिर मैंने पूरा वैक्यूम किया। वैक्यूम की शॉपिंग भी एक यहाँ पे एक जॉब होता है कि कैसा वैक्यूम, सब मेरा वैक्यूम क्या है, ये हार्डवुड के लिए भी है और कारपेट के लिए भी है। और ये पैर से ऐसे इसमें रेड बटन ऑन एंड ऑफ करने के लिए होता है, और दूसरा बटन होता है इसमें आपको किस एंगल पे चाहिए उसके लिए रहता है। देखिए आज मुझे अपना बेडरूम्स क्लीन करने थे, हमारे बेडरूम्स में कारपेट है, तो वैसे वैक्यूम हम लोग करते हैं, क्योंकि इस पर झाड़ू नहीं वर्क करती है तो वैक्यूम ही करना पड़ता है। वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूम्स होते हैं, ये हैवी वाला, लाइट वाला, तो ये मेरा थोड़ा हैवी है, जिससे अच्छी क्लीनिंग होती है। जो लाइट वैक्यूम्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कचरा तो ठीक है, लेकिन वो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। वेट वैक्यूम भी होते हैं, जब उसके लिए हमें थोड़ा वार्म वेदर चाहिए होता है, क्योंकि अगर वेट क्लीनिंग होगी तो कारपेट को ड्राई होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो तब वेट वैक्यूम होता है। और इस तरीके से ये देखिए कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, डायसन बहुत फेमस है, वो काफ़ी रेनाउंड है, और वैक्यूम सब जगह मिलते हैं, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, बट इट्स बेटर टू टेक इट फ्रॉम कॉस्को। पहली बात तो आपको मेंबरशिप की वजह से वहाँ पे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, कॉस्को का जो सामान जो भी होता है वो उसमें आपको धोखा नहीं होगा, मतलब इट्स लाइक वॉलमार्ट में यू डोंट नो, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट विथ कॉस्को बहुत अच्छा सामान रहता है, सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए मैं अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ, साथ में इसमें जितना भी डस्ट है, जितना भी कचरा है, इसके में कलेक्ट होता जाता है, ये देखिए। और इसमें मोबिलिटी होती है, तो किसी भी एंगल पे, हर जगह पे इट कैन गो एंड क्लीन इट। बट मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मैंने अपने एप्पल चार्जर, इसमें थोड़ा सक्शन पावर ज़्यादा है, मेरे पास एक लाइट वेट भी है, पर तो उसने पूरा मेरा चार्जर खा लिया था। चलिए हो गया वैक्यूम, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।